उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर। H3N2 वायरस ने उत्तराखंड में भी दस्तक दे दी है। H3N2 वायरस ने बढ़ते मामलों को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। दरअसल हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज की वायरोलॉजी लैब में 2 सैंपल में इस संक्रमण के मिलने की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, बीती 7 मार्च को H3N2 वायरस के 2 मरीजों की पुष्टि हुई। फिलहाल इन्फ्लुएंजा वाले मरीज और चिकित्सकों को मास्क पहनने की हिदायत दी जा रही है। सभी लोग आवश्यक सावधानी बरतें। बीमारी को देखते हुए आइसोलेशन वार्ड बनाने समेत निर्देश जल्द जारी कर दिए जाएंगे। खास ध्यान रखने की है जरूरत, खासकर अस्थमा और लंग इन्फेक्शन के मरीजों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को इस संक्रमण से बचाव के लिए ज्यादा एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। मौसम के कारण यह संक्रमण तेजी से अपनी चपेट में ले सकता है। इस संक्रमण के कारण लोग खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, उल्टी और शरीर में दर्द जैसी बीमारी के शिकार हो सकते हैं। बचाव को लेकर मास्क और शारीरिक दूरी की सलाह भी दी गई है। आम जनता को भीड़ भाड़ वाली जगह से बचने को भी कहा गया है। इसलिए हमारा भी आप सभी से अनुरोध है कि हाथों को नियमित रूप से धोएं, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, मास्क लगाएं, पौष्टिक आहार लें और सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें। आइए देखते हैं स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह का इस संक्रमण से बचाव के लिए क्या कहना है। इन्फ्लुएंजा वाले सीजन के स्टार्ट में ही जनवरी में हमने इन्फ्लुएंजा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी और अभी हम फिर निर्देशित करने जा रहे हैं कि ये कॉमन वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड वगैरह है तो वो अपना आइसोलेट कर ले अपने को और थोड़ा को भी अप्रोप्रिएट बिहेवियर करें, मास्क वगैरह पहने, और अगर किसी को सिम्टम कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो चिकित्सक की राय ले जल्दी ही, और अगर खासकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वाले जो कोमॉर्बिड और किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो वो अपना ज़्यादा प्रिकॉशन ले, और शीघ्र ही हम सभी CMOs को अलर्ट रहने के लिए बता रहे हैं।